राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2014। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष सुख समृद्धि के साथ साथ उन्नति से परिपूर्ण रहने वाला समय है। भौतिक सुख के साधन मिलेंगे, वाहन भवन के लिए कुछ खर्च हो सकता है। जनता से सम्मान वाला समय रहेगा, परंतु परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद मतभेद के योग बनेंगे। स्वाभिमान की अति जो है वो आपकी जिद हट धर्मिता को त्यागने पर अच्छी उन्नति का कारक बन सकती है, उसका कारण बन सकती है। बड़ा शुभ कार्य आपके द्वारा होने के ऐसे योग बनते हैं, जो काम काफी समय से रुका था वह कार्य पूरा हो जाए, और उस कार्य के पूरा होने से राज्य से सम्मान के प्राप्ति के योग बनते हैं। भय को त्याग करके काम करना चाहिए। वर्ष के मध्य से संतान सुख मिलने लगेगा, कार्यशीलता में वृद्धि होगी एवं आपका प्रताप बढ़ेगा, आपका पराक्रम जो है, आपका प्रभाव जो है समाज में बढ़ेगा, परिवार से सुख शांति की स्थिति बनेगी। तीर्थ यात्रा के योग भी इस वर्ष में 2014 में आपके लिए बनते हैं। कुछ लोग आपके घनिष्ठ संबंधों में मतभेद पैदा कर आपको अपने ही लोगों से लड़ा करके आपको धोखा देना चाहते हैं और आपके उस विवाद से अपना बहुत बड़ा लाभ निकालना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। क्रोध और उत्तेजना से आप अपना स्वयं का बनता हुआ काम भी खराब कर सकते हैं, तो अपने क्रोध को आपको नियंत्रित करना है। खास तौर पर अपने वर्क प्लेस में, अपने व्यापारिक क्षेत्रों में आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध और उत्तेजना को आप नियंत्रित रखिए। विद्यार्थी वर्ग, कृषक यानी किसान, व्यापारी वर्ग, नेतागण, सभी के लिए यह वर्ष जो है बहुत उत्तम रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को उपाय कौन कौन से करना चाहिए जिससे 2014 आपके लिए और ज्यादा लाभकारी हो जाए। आपको करना यह है कि शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगा जल या दही के साथ काले तिल मिलाकर के आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वर्ष गुरु केतु की आराधना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आइए अब जानते हैं आपका राशि मंत्र कौन सा है। ओम एं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाल किताब के चमत्कारी उपाय कौन कौन से आपको करने चाहिए। आपको करना यह है कि रविवार, मंगलवार या शनिवार को भैरव मंदिर में जाएं और भैरव मंदिर में भगवान श्री भैरव को मदिरा चढ़ाएं। चांदी का चौकोर एक टुकड़ा जो है, 4 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं लाल धागे में। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाल या काले धागे में अपने गले में पहन लीजिए। इसको पहनने के लिए सोमवार का दिन आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिससे कुंभ राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2014 को अपने पक्ष में बना करके अपने लिए अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं।